आओ जी, अब हम आगे अपने 79th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये? कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। 5:4:1 तीन पार्टनर है एबीसी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। सी इज गिविंग अ गारंटी दैट द मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ गिवन ईयर वुड नॉट लीस्ट अ 5,000। सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा। आगे डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। साफ साफ क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है कि गारंटी कौन देंगे? ए और बी इक्वली देंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, उसने मांगा क्या है कि जर्नल एंट्रीज करके दिखा दो, तो कर देते हैं भाई। जर्नल करने में कौन सा कोई मुश्किल काम है? कौन कौन पार्टनर है बताना। पहली एंट्री क्या होगी? यही कर दो बेटा, यही कर देता हूं। पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 40,000 का प्रॉफिट और 40,000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, ए बी और सी कैपिटल अकाउंट। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है जिसमें हमें बांटना है? 5:4:1 में बांट दो। तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट 10 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 4,000, 16,000 और 20,000। गॉट इट? अब किसको कहा था और क्या कहा था? सर सी को कहा था, सी को कहा था कि तेरे को 5,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। पर एक्चुअली भाई 5 ही कहा था ना, बताना एक बार क्वेश्चन में रीड करके। और एक्चुअली उसे प्रॉफिट हुआ कितने का है? 4। तो उसे 1,000 रुपए कौन देगा? ए और बी। क्या वादा किया था उन्होंने, हम कैसे ले लेंगे? इक्वली। तो 500 रुपए इससे ले लेंगे और 500 रुपए इससे ले लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों से लिए और किसको दे दिए? सी को। कितना हो गया? 1,000, 500 और 500। डाउट किसी को? ये भाई साहब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 4 नंबर में तो डिजर्व ही नहीं करता, और एक में 3 एंट्री पूछेगा नहीं, तो इसमें वो ऐसे एक नंबर में बस ये पूछ लेगा कि बताओ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी कितनी होगी। तो 500 रुपए आंसर है बस इसका। एक नंबर में आपसे बस वो वर्ड्स पूछेगा, फिगर्स पूछेगा, 3 एंट्री में एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो एक नंबर में 3 एंट्रीज पूछ लेगा, क्योंकि हमें पेपर में भाई साहब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नरेशन लिखनी पड़ेगी, तो उन सब चीजों में हमारा टाइम जाएगा। और एक नंबर के क्वेश्चन में इतना लेंथी है, बहुत इजी बेटे आता है। देखो मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल है। अकाउंट्स का पेपर जिसको आता है उसका भी जल्दी हो जाता है, जिसको नहीं आता उसका उससे भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आता ही नहीं ना, तो वो क्या करे 3 घंटे बैठ के, समझ रहे बात को? तो आता हो तो भी जल्दी हो जाता है, आता है तो हो गया, और नहीं आता तो उससे भी जल्दी हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे ना 2 ही घंटे में शीट पढ़ा दी मैडम, हो गया, पूरी क्लास उनको देख रही है कौन है ये, तो वो वही होते हैं जो 80 में से 40 नंबर का छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्हीं का सबसे जल्दी होता है, बाकी 2 घंटे में हो नहीं सकता है उनका पेपर, टाइम लगता है, कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके बहुत प्रैक्टिस के बाद हम लोग फुल ईयर में जाके 10 से 12 पेपर करेंगे, यहाँ पे कोचिंग में टेस्ट लेंगे आपके 3-3 घंटे के। यदि आप उन सब चीज़ों को सीरियसली लेके सारे टेस्ट दो और सिंसेरिटी से दो, तब जाके कहीं हमारे वाले बच्चों का 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले पेपर खत्म होना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत स्ट्रैटेजी के बाद, वो भी उन लोगों का जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, वो लोग ही 20 मिनट पहले पेपर खत्म कर पाते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको भैया 3 घंटे लगने ही लगने हैं। ठीक है, हल्का बोर्ड की कैलकुलेशंस इजी होती हैं, ऐसी होती हैं, कभी कोई आंसर्स या पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए।